Good morning, dear students. According to new syllabus revised by CBSE or NCERT, so we have completed the fundamental unit of life and tissue. ठीक है? तो वह जो next chapter है हमारा, वो क्या है? Biodiversity fall ill. मैं आपको पढ़ाना था biodiversity. ठीक है? Diversity in living organism. लेकिन वो chapter अब आपके syllabus में आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर है? Why do we fall ill या human health? ठीक है? तो ये वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता लग रहा है why do we fall ill, तो हम इस चैप्टर में डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज कैसे होती है, उनका क्योर कैसे हो सकता है, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक आता है हेल्थ। ठीक है, तो जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं हेल्थ को या फिर किसी हेल्दी पर्सन को, किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है और ये डिजीज है या अनहेल्दी पर्सन है? ठीक है ना, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम हेल्दी के डेफिनेशन से पता लगाएंगे। तो हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, तो किसी भी पर्सन की वो स्टेट जिसमें वो कंप्लीटली फिजिकली, ठीक है, मेंटली एंड सोशली, बॉडी फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, सोशली हेल्दी हो, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। उस बॉडी की स्टेट को क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे। अगर कोई पर्सन को डिजीज नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, तो वो फिजिकली फिट नहीं है, सॉरी फिजिकली फिट है बट वो मेंटली अनहेल्दी हो सकता है, वो सोशली अनहेल्दी हो सकता है। क्लियर? तो हेल्थ का जो क्राइटेरिया है उसमें ये तीन चीजें आनी चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी, सोशल भी। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं फिजिकली फिट होता है मेंटली फिट नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं फिजिकली फिट होते हैं मेंटली भी, लेकिन सोशली उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता दूसरों के लिए। ठीक है, तो वो भी हेल्दी में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये डेफिनेशन है हेल्थ। क्लियर? अब एक गुड हेल्थ किसको बोलेंगे? गुड हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे? जो फिजिकली वेल बीइंग हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं क्या? हेल्दी पर्सन। ठीक है, और ही और शी कंटेन अ गुड हेल्थ। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस होता है गुड हेल्थ के, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं? तो सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ इज अ हेल्दी बॉडी विद अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड। हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है, क्यों हेल्दी इंडिविजुअल बोलते हैं, कैसे हेल्दी हो सकता है? हेल्दी बॉडी विद ए हेल्दी माइंड, मतलब उसकी फिजिकल बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हेल्दी माइंड मेंटली वो हेल्दी होना चाहिए, एंड हेल्दी एटीट्यूड मतलब सोशली वो हेल्दी होना चाहिए। समझ आया? ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे कि ही और शी कंटेन अ गुड हेल्थ। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, गुड हेल्थ इंक्रीज अवर एफिशिएंसी। तो आपको पता है अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारी जो वर्क एफिशिएंसी होगी तो वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। कोई भी पर्सन अगर अनहेल्दी है मेंटली, सोशली या फिजिकली, कोई स्ट्रेस है, कोई डेफिशिएंसी है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो उसका मन नहीं लगता उसके काम करने में, पढ़ाई करने में या फिर कोई भी वर्क करता है वो, उसमें उसका मन नहीं लगता है या फिर उसकी बॉडी उसके साथ नहीं दे पाती है। क्लियर? तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी होगी, माइंड हेल्दी होगा और एटीट्यूड भी हेल्दी होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्क एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाएगा इंडिविजुअल लेवल पर। किस लेवल पर? इंडिविजुअल लेवल पर। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर हेल्दी होंगे तो कम्युनिटी लेवल पर भी हेल्दी होंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आजकल चल रहा है कोरोना डिजीज चल रहा है, ठीक है, वायरल डिजीज है, तो अगर एक पर्सन अगर अनहेल्दी होता है, कोरोना पॉजिटिव होता है, तो उसके आसपास के, वो तो अनहेल्दी है ही, उसके आसपास के जो होंगे कम्युनिटी जो होंगे वो भी अनहेल्दी हो सकते हैं। अब वो अनहेल्दी हो सकते कम्युनिटी, तो पूरा कंट्री भी अनहेल्दी हो सकता है, वर्ल्ड भी अनहेल्दी हो सकता है।
नेशन लेवल पर भी हेल्थ जो हेल्थी पर्सन होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक गुड हेल्थ मेक अ पर्सन हैप्पी। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप कैसे होते हैं, बिल्कुल हैप्पी चीयरफुल और एक प्रोस्पेरस लाइफ को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है। और प्रोस्पेरस लाइफ एग्जिस्ट होती है लैंड पर फॉर वर्ल्ड में जब आप गुड हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। और अगर कोई भी पर्सन की जो हेल्थ है वो करेक्ट नहीं है, मतलब कि अनहेल्दी है, तो ना तो वो हैप्पी रह सकता है ना चीयरफुल हो सकता है, और जो वर्ल्ड है उसमें उसका एग्जिस्टेंस एक मतलब उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पर मेरा क्या फायदा है। ठीक है, वर्ल्ड में फैमिली में। ठीक। और हेल्दी पर्सन होता है तो वो अच्छे से प्रोस्पेरस लाइफ को सर्वाइव करता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पब्लिक हेल्थ सर्विस, फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, एंड फोर्थ पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मतलब पब्लिक कोई भी इंडिविजुअल है तो उसकी जो हेल्थ है वो उसी पर डिपेंड नहीं करती है, सराउंडिंग जो है, जो एनवायरनमेंट है, जो पब्लिक है जिसके साथ में हो जाता है सोसाइटी कम्युनिटी, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है उसकी हेल्थ के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इंडिविजुअल तो रहता नहीं है, अलग अलग पब्लिक प्लेस में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, और एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो इन कॉन्टैक्ट का या पब्लिक या कम्युनिटी में रहने का जो इफेक्ट है वो उसकी हेल्थ पर भी पड़ता है, गुड एज वेल एज बैड। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या आता है इसमें, प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज आपको पता ही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज इन सिटीज और विलेजेस। ठीक है, तो उसका प्रॉपर रिमूवल अगर नहीं हो पाता है तो वहां पे क्या हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, और स्मेल आने लगेगी, वो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाएंगे, डिजीज स्प्रेड हो जाती है। ठीक है ना, तो प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो ये किस में आएगा, पब्लिक हेल्थ सर्विस में, क्योंकि इसको आपको पता है जो म्यूनिसिपलिटी होता है, म्यूनिसिपलिटी वाले आते हैं गार्बेज को रिमूव करते हैं और डिस्पोज करते हैं। ठीक है, सेकेंड आ जाता है यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज। तो सीवेज की प्रॉब्लम सिटीज में मेजर प्रॉब्लम होती है, आपको पता है कि जो सीवर हैं वो ओपन हो जाते हैं या फंक्शनल नहीं होते हैं, तो उनसे जो सीवेज है वो बाहर निकल जाता है और वो स्टिंकिंग कोज करता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एजेंट ऑफ डिजीज जैसे मॉस्किटो या अदर इंसेक्ट्स वो डेवलप हो जाएंगे और डिजीज स्प्रेड होती है। थर्ड है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड आइटम्स, मतलब हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन होना चाहिए, कहीं से भी हम ले लें, म्यूनिसिपलिटी का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, तो वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए कि वो भी पब्लिक के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और जो फूड आइटम है वो भी हमारे क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और सैनिटाइज होना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी इन्फेक्शन या कोई डिजीज ना हो। नेक्स्ट, वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल। वेक्टर एंड पेस्ट क्या होता है, वेक्टर होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और फ्रॉम इन्फेक्शियस सोर्स टू अ हेल्दी पर्सन, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर। और पेस्ट, पेस्ट होते हैं मेनली इंसेक्ट्स। क्लियर, और प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर और पेस्ट जो होते हैं उनका कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे मॉस्किटो होते हैं, हाउस फ्लाइज होती है और अदर इंसेक्ट्स होते हैं। क्लियर, तो उनको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक पर्सन की डिजीज को दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, जिससे कि उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आता है। क्लियर, क्योंकि वेक्टर और पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट अलग से होता है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट आता है प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ सर्विसेज। तो आपको पता है वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन वो मेडिसिन होती है जो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर
पैथोजन और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर डिजीज का, एंड अदर हेल्थ सर्विसेज जो गवर्नमेंट और मेडिकल सेक्टर प्रोवाइड करता है वो सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आता है। तो अगर ये सब चीज़ें हम हमें अवेलेबल है अच्छे से, ठीक है, हम इनका मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है या पीपल मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी हेल्थ बेटर हो जाएगी, अदरवाइज वर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर जो है जो अफेक्ट करता है हेल्थ को, वो है इकोनॉमिक कंडीशन। ये कैसे अफेक्ट कर सकता है? ये ऐसे अफेक्ट कर सकता है क्योंकि आप सबको पता है आप सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो दिस नो एवरीवन इज नॉट इकोनॉमिकली सिमिलर, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है, कोई तो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकता है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अफोर्ड करता है, और किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं मिल पाता। तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करती है? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को डिजीज हुआ, डिजीज तो पैसा देख के नहीं आती है, डिजीज तो किसी को भी हो सकती है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, डिजीज हो सकती है। बट रिच जो पर्सन होता है वो अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल या अच्छी मेडिकल जो केयर है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर पर्सन है उनको वो वाली फैसिलिटी ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से जो डेथ रेट है वो पुअर का बढ़ जाएगा और जो रिच है उनका लो हो जाएगा, रिस्क जो है वो पुअर का ज़्यादा इंक्रीज होगा और रिच का कम हो जाएगा। उसके अलावा जो एक मिडिल क्लास मैन होता है या फिर पुअर मैन होता है तो उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड होती है, तो वो उसके जो फूड और अदर जो बेसिक नीड्स हैं उसमें खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो हाई मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको यूज़ नहीं कर पाता। इसकी वैसे इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारे हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट डाल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। सोशल इक्वालिटी क्या होती है? जैसे सोशली ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, बट इन आवर सोसाइटी और कम्युनिटी देर इज डिफ्रेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ अपर एंड हायर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग एल्स। तो देर इज नो सोशल इक्वालिटी इन नाउअडेज, बट देर शुड बी सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी विद पीपल्स, ठीक है। अदरवाइज वी विल अनहेल्दी सोशली और मेंटली, ठीक है। जैसे कि आजकल आपको न्यूज में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि अप एंड डाउन जो ऊंच नीच होती है, कास्टिज्म होता है, उसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे मर्डर वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हमें भी और बाकी सबको भी ये सीख रहे हैं कि सब इक्वल है, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, ठीक है। तो देयर शुड बी सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। अगर हम सब इक्वली बिहेव करेंगे, सब एक जैसे होते हैं, तो हम लोगों में कोई इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं होगा, तो हम आराम से हैप्पीली एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन तो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर पर्सनल हाइजीन होगी एक इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो हम कम्युनिटी लेवल पर भी प्रोग्रेस करेंगे और नेशन लेवल पर भी हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे हमारे ग्रुप में भी। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं रखते हैं तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हम अनहेल्दी होंगे तो हमारी फैमिली अनहेल्दी होगी, तो हमारे सोसाइटी अनहेल्दी होगी, फिर नेशन अनहेल्दी होगी, क्लियर। तो पर्सनल हाइजीन में आप सबको पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल हाइजीन में, केयर ऑफ फिजिकल बॉडी, मतलब केयर ऑफ हेयर, केयर ऑफ आईज, केयर ऑफ नेल्स, ठीक है। ये किस्म आएंगे पर्सनल हाइजीन में, रेगुलर बाथिंग, रेगुलर वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, और यूज ऑफ सैनिटाइजर कर सकते हैं, सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्लीनलीनेस हो सकती है, और ड्रिंकिंग क्लीन एंड डिसकंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, फूड आइटम्स हम जो खा रहे हैं
या हम जो जंक फूड है उसको कम खाएं, तो पर्सनल लेवल पर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हम ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो जिससे कि हम हेल्दी हों इंडिविजुअल लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर।